गल करांगे पंजाब तो वड्डी खबर लहरा गागा दे विच विद्यार्थियों ने जाम लगा दिता है। बाबा हीरा सिंह पट्टल इंजीनियरिंग कॉलेज नूं बंद करन दा विरोध किया जा रहा है। अहम ते वड्डी खबर की गल कर रहे हैं, लहरा गागा दे विच विद्यार्थियों ने जाम लगाया, लहरा गागा दे विच विद्यार्थियों वालों जाम लगाया गया। बाबा हीरा सिंह पट्टल कॉलेज नूं बंद किया गया, क्यों किया गया, इसके विरोध दे विच जाम लगाया गया। सैशन के दौरान विद्यार्थियों नूं माइग्रेट किया जा रहा है, यानी कि दूसरे कॉलेज के विच भेजा जा रहा है। विद्यार्थियों ने पढ़ाई खराब करने का इल्जाम लगाया, उन्होंने कहना कि एक तो छड़ के दूसरे कॉलेज में जेकर असी जा रहे हैं तो साड़ी पढ़ाई खराब हो रही है। मंगा ना मनन से पक्का धरना लगाने की चेतावनी दी गई है। दस दिए कि जाम लगा दिता गया, तस्वीर भी दिखावांगे किस तरीके के नाल जाम लगाया गया। लहरा गागा की गल कर रहे हैं जिथे विद्यार्थियों ने जाम लगाया, बाबा हीरा सिंह पट्टल कॉलेज को बंद करन दा विरोध किया जा रहा है। तस्वीर वेख सकते हो, एक्सकलूसिव तस्वीर जी वेख सकते हो, पट्टल कॉलेज बंद करन दा विरोध। विद्यार्थी जड़े ने इत्थे पक्का धरना लगा के बैठे ने, इन्होंने जाम लगा दिता। इन्हों का साफ तौर पर कहना है जेकर कॉलेज नूं दोबारा तो रीओपन नहीं किया जाता, इन्हों के वालों इस तरीके पक्का धरना लगा के बैठा जाएगा। दस दिए कि इतने लड़कियां ते लड़के दोवें विद्यार्थी जड़े ने पहुंचे हुए सन, तस्वीर भी वेख सकते हो, नारेबाजी की गई। पंजाब सरकार हाय हाय। चाहे भाजपा जी का फैसला हुआ था, आज कोई पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज इसका क्या करना है? हमारा फ्यूचर सेफ रखना है, आगे खिलाफ करना है, उनको उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अपने अपने लोग कुछ नहीं देते, और में कोई ना कोई सरकार का नुमाइंदा आ जाता है, मगर जो हमारी त्रासदी है बात में रहने के लिए कोई सुनेगा नहीं। भाजपा जी का फैसला हुआ था, आज कोई पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज इसका क्या करना है? हमारा फ्यूचर सेफ रखना है, अगर खिलाफ करना है, उनको उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अपने अपने लोग कुछ नहीं देते, और में कोई ना कोई सरकार का नुमाइंदा आ जाता है, मगर जो हमारी त्रासदी है बात में रहने के लिए कोई सुनेगा नहीं। भाजपा जी का फैसला हुआ था, आज कोई पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज इसका क्या करना है? हमारा फ्यूचर सेफ रखना है, अगर खिलाफ करना है, उसको उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अपने अपने लोग कुछ नहीं देते, और में कोई ना कोई सरकार का नुमाइंदा आ जाता है, मगर जो हमारी त्रासदी है बात में रहने के लिए कोई सुनेगा नहीं। भाजपा जी का फैसला हुआ था, आज कोई पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज इसका क्या करना है? हमारा फ्यूचर सेफ रखना है, अगर खिलाफ करना है, उनको उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अपने अपने लोग कुछ नहीं देते, और में कोई ना कोई सरकार का नुमाइंदा आ जाता है, मगर जो हमारी त्रासदी है बात में रहने के लिए कोई सुनेगा नहीं। पढ़ाई खराब करने का इल्जाम लगाया इन्हों विद्यार्थियों ने, जो कि नारेबाजी कर रहे ने, कॉलेज को बंद करने का विरोध किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कॉलेज बंद? सैशन दौरान दस दिए कि विद्यार्थियों माइग्रेट किया जा रहा है, इन्हों का साफ तौर पर कहना है कि साड़ी इस तरीके दे नाल पढ़ाई खराब होएगी। दो तस्वीर तुहानू विखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर तुम वेख पा रहे हो, जिथे कि विद्यार्थी जड़े ने पक्का धरना लगा के बैठे ने, जाम लगा दिता इन्होंने। साफ तौर पर कहना जेकर साड़िया मंगा नहीं मनिया जाए तो साढ़े वालों पक्का धरना लगा दिता जाएगा।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਠਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੱਠਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਐਨ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਸਪਾਈਨ ਸੈਂਟਰ, BRS ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, 9709663359।